हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी CLC सीकर। मेरे साथ हैं मोहम्मद इरशाद, वर्किंग विद CLC सिंस लास्ट 4 इयर्स एज ए फैकल्टी इन जूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज अपन जो है एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट और अच्छे डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कि आप लोग इस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठाएं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ये बेशक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सारे एप्लीकेशन जूलॉजी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए जो है वो आपको सारा समझ में भी आ रहा है कि किससे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों सर? तो ये जो चैप्टर सर, इससे ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है। हाँ, ये एनिमल हस्बेंड्री से कंटिन्यू जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ, तो इसमें एक तो एनिमल ब्रीडिंग वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और एक फिशरीज वगैरह उनमें से हर बार कहीं से भी एक क्वेश्चन जूलॉजी वाले पार्ट में। हाँ, जूलॉजी वाले पार्ट का ही वैसे चैप्टर तो ये 9th चैप्टर में दोनों आ रहे हैं, बॉटनी का पार्ट भी आ रहा है, प्लांट ब्रीडिंग भी आ रहा है, ये एंड से एक क्वेश्चन जूलॉजी वाले पार्ट में साथ। हां, तो अब स्टार्ट करते हैं हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर फिश? कौन से एक स्वच्छ जलीय मछली है? पॉम्फ्रेट मैराइन फिश है, रोहू ये एक फ्रेश वाटर कार्प है, सार्डिन ये मैराइन फिश, साल्मन ये मैराइन फिश। पूछा क्या है इसमें, फ्रेश वाटर फिश जो है वो इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा आ रहा है? सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें रोहू जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये इसमें सेकंड ऑप्शन। देखिए, सारी एडिबल फिशेस हैं, खाने वाली मछलियां हैं जिनको खाया जाता है, इनका कंजम्पशन किया जाता है। तो ये जो मछली है ये रिवर्स और पॉन्ड्स के अंदर काफ़ी अबंडेंटली मिलती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये जो मछलियां हैं ये इतनी इजीली अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, मैरीन फिशेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सत्य है? अब ये कथन है, अलग अलग चीजें हैं जो हनी बी से रिलेटेड है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है एपिस इंडिका इज लार्जेस्ट वाइल्ड हनी बी। तो एपिस डॉर्सेटा जो है एक हनी बी होती है, वो साइज में काफी बड़ी होती है। ये तो एपिस इंडिका तो कंपैरेटिवली छोटी मछली कहलाती है ना, मॉर्फोलॉजिकली साइज इसका छोटा होता है। दूसरा है कि वैक्स इज वेस्ट मटेरियल ऑफ हनी बी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल नहीं है। हाँ, क्योंकि वैक्स ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड का सेक्रेशन है ये। और वेस्ट मटेरियल अगर आप देखें तो मेटाबॉलिक वेस्ट अगर उसका देखो तो आप हाँ। जो हनी है वो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में है। बी कीपिंग हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब होता है लघु उद्योग या घर में चलने वाले कुटीर उद्योग। तो बिल्कुल सही है, गांव में या सेमी अर्बन एरियाज में काफी लोगों की आजीविका हाँ, उनकी जो अर्निंग है वो इसी पे चलती है ना। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे, ड्रोन इज हनी बी, ड्रोन इन हनी बी इज डिप्लॉयड। तो ये हैप्लॉयड होता है जो कि पार्थिनोजेनेसिस से विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? सही इनकरेक्ट हो गए। हाँ, ये बी कीपिंग ये इसका करेक्ट है। वैक्स को बता रखा है इसने वेस्ट मटेरियल, ये भी इनकरेक्ट है और पहला भी इनकरेक्ट है। पहला भी इनकरेक्ट है। एपिस इंडिका क्या है? मोस्ट कॉमन स्पीशीज ही छोटी होती है, ये लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट साइज इसका छोटा होता है। ये गलत स्टेटमेंट। दी थर्ड इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, हां अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट। आउट ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग ये आपने पढ़ रखे हैं कि आउट ब्रीडिंग मीन्स या तो दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच या डिफरेंट स्पीशीज, या अगर सेम ब्रीड और सेम स्पीशीज है तो क्या होनी चाहिए वो 4 to 6 जनरेशन में जो है वो इनके कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं हो, इस तरह की ब्रीडिंग है वो आउट ब्रीडिंग है। आउट ब्रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्यों है इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी एनिमल हस्बेंड्री के लिए? एक्सपोजर harmful recessive genes that are eliminated by selection. ये क्या है? इनब्रीडिंग के लिए ये एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन, इसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सी होती है? इनब्रीडिंग होती है। हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, ये भी किसके थ्रू हो सकते हैं? इनब्रीडिंग। ये भी इनब्रीडिंग के थ्रू जो है वो सुपीरियर जीन्स है उनका एक्यूमुलेशन हो सकता है, ये भी इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। इट इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, ये हाँ प्योर लाइन को ये जो है प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ये इनब्रीडिंग कर सकती है। तो इनब्रीडिंग जो है वो प्योर लाइन को प्रोड्यूस कर रही है, तो प्योर लाइन को प्रोड्यूस कर रही है, सेम टाइप के सुपीरियर जीन से उनको एक्यूमुलेट कर रही है, वो सारी इनब्रीडिंग की कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखिए, यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनके कारण जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, जो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू इनब्रीडिंग के कारण जो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसको कम करने के लिए इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, उसको तो क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सर उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए जो है या उसको दूर करने के लिए ये जो है वो आउटक्रॉसिंग और आउटब्रीडिंग करवाई जा रही है। क्लियर? तो ये इसमें इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आप देखें ये बाकी के तीन ये गलत है। क्यों है? क्योंकि ये तीनों किसके लिए आ रहे हैं? इनब्रीडिंग के लिए। जो कि ये क्या कर रहा है? इनब्रीडिंग से होने वाला जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए। क्लियर? तो ये इसके लिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग देखिए आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। सर इनब्रीडिंग क्यों कराते हैं? क्योंकि अपने को एक ही नस्ल की, अच्छी नस्ल की सुपीरियर क्वालिटी के जो है वो कैरेक्टर्स कंटीन्यूअसली मिलते रहे, है ना। उसके अंदर क्या होता है? हार्मफुल जीन्स जो होते हैं ना वो धीरे धीरे हटते चले जाते हैं और बेनिफिशियल जीन जो अगली जनरेशन में आते चले जाते हैं और कैरेक्टर एक से बने रहते हैं। होमोजाइगोसिटी बनी रहती है उससे, हेटेरोजाइगोसिटी कम हो जाती है उससे। जेनेटिक्स से रिलेट कीजिए आप इस चीज को। इसमें आप देख रहे हो कि होमोजाइगोसिटी वगैरह डेवलप हो जाती है, ये तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो क्या है? नॉट ए पर्पस। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनब्रीडिंग का पर्पस क्या नहीं हो सकता? जैसे पहला ऑप्शन है टू डेवलप प्योर लाइन, तो प्योर लाइन मिल जाएंगी इससे, प्योर लाइन तो मिल जाएगी इससे, ये तो हो सकता है। टू एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन, हार्मफुल रिसेसिव जीन भी धीरे-धीरे साइड में चले जाते हैं क्योंकि इनब्रीडिंग होगी तो एक ही एक जीन आगे चलेंगे, अच्छे 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 तो सारे अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो ये भी नहीं होगा। टू ऑब्टेन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन अपन ऑब्टेन थोड़ी करेंगे। हां, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए, दूर करना ना, हां अभी आपने डिस्कस किया था। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसको ऑब्टेन नहीं करेंगे, है ना। तो है टू ऑब्टेन सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल, तो सुपीरियर मेल और फीमेल तो मिल जाएंगे, लेकिन अपने को इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो नहीं ऑब्टेन करना। तो यहाँ पर ये क्या है? नॉट ए पर्पस। ये पर्पस नहीं है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑब्टेन करें। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, सही कहा सर ने। तो ये किसके लिए नहीं करवाई जा रही है? इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए नहीं करवाई जा रही है। मींस ये भी फोर्थ भी करेक्ट होगा, तो सही जो है इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो कि जैसे उसमें दे रखे हैं एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो एकदम इजीली क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप अगर ढंग से आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं होती। Which of the following is the method of outbreeding used to overcome inbreeding depression? अब इसमें ये अगेन वही एनसीईआरटी से लिए हुए सारे सवाल हैं। आप समझ सकते हो इसमें तरीका जो है वो अलग अलग इसमें आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसी चीज को, एक ही चीज को कैसे कैसे घुमाकर जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बने। अब इसमें जैसे साफ साफ पूछा है कि कौन से मेथड को अपन जो है यूज कर सकते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर। निम्न में से कौन सी बहिप्रजनन की विधि अंतःप्रजनन अवसाद के प्रभाव को समाप्त के लिए? तो नेचुरल जब अपन इसको यूं समझो, आप एक स्पीशीज एक ब्रीड को अपन कंटीन्यूअसली ब्रीड कराएंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने को एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे एनिमल से क्रॉस कराना पड़ेगा, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो घोड़ा हो, वो 4-5 या 6 जनरेशन से, 4 से 6 जनरेशन से जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनके साथ में इनको ब्रीड कराया जाएगा तो वो कहलाएगा आउट क्रॉसिंग। क्यों सर? वो क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए सर अपन आउट क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं वेटरनरी इसमें वैसे मैंने बता दिया ये। आप थोड़ा सा इसमें एक चीज आप ध्यान रख लें, सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो ब्रीडिंग के टाइप जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, एक चार्ट बना के इन ब्रीडिंग होता है, एक इन ब्रीडिंग है और दूसरा जो है वो इसमें एक आउट ब्रीडिंग होता है। अब आउट ब्रीडिंग के फिर ये 3 टाइप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें आउट क्रॉसिंग के सर इसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो आउट क्रॉसिंग है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग वैसे थ्योरी में आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, और एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें आउट ब्रीडिंग का कौन सा टाइप जो है वो इसके लिए यूज करेंगे जो ब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस कर सके, उसको उसके प्रभाव को दूर कर सके, उसके लिए आउट क्रॉसिंग। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड टू इंड्यूस सुपर ओव्यूलेशन इन एमओईटी? अब एमओईटी का आपको ध्यान होना चाहिए कि एमओईटी क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो ये मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक इसमें किस लिए करवाई जा रही है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए इसमें ये एमओईटी टेक्निक यूज की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड टू इंड्यूस सुपर ओव्यूलेशन इन एमओईटी? तो एमओईटी में सुपर ओव्यूलेशन मल्टीपल ओवा का एक ही स्ट्रेस साइकिल में मैच्योर होना, तो सर तो मल्टीपल ओवा का मैच्योर होना ही जो है वो इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन है। रिलीज करवाना है तो एफएसएच यूज कर लीजिए, तो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ग्राफिन फॉलिकल डेवलप करवा देगा, तो एक साथ कई एग रिलीज हो जाएगा। नेचुरली एफएसएच जो सीक्रेट हो रहा है वो तो स्ट्रेस साइकिल में एक ओवा को मैच्योर करता है, ये अपने पढ़ रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या दूसरे भी एनिमल्स में अगर आप देखें तो स्ट्रेस साइकिल में एक ओवा मैच्योर होता है, और अगर उसको आर्टिफिशियली जो है वो एफएसएच इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो बेसिकली एफएसएच के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं जो एफएसएच की तरह काम कर देते हैं। हाँ। आप यूं समझ सकते हैं, और वो एफएसएच क्या करेगा, एक से ज्यादा एग रिलीज करवा देगा। तो ये इसके लिए कौन सा हार्मोन हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका एफएसएच। क्लियर? इसमें आगे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आपको ध्यान होगा। इसमें क्या होता है सर, मैं बताऊं आपको, ऐसे सब्सटेंस फिशेस को खिलाए जाते हैं, डाइट में खिलाए जाते हैं, खाने की तरह दिए जाते हैं जो एफएसएच का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, वो भी होता है इसके अंदर। ठीक। मोस्ट कॉमन स्पीशीज फॉर बी कीपिंग हॉर्टिकल्चर इन इंडिया इज, अब इसमें इंडिया में सबसे बहुत आसान है एपिस इंडिका, इसलिए ये तो सारी बाहर की हैं। एपिस और डॉर्सेटा को तो अपन रियर ही नहीं करा सकते, एग्रेसिव हनी भी होती है ना। मेलीफेरा में काफी अच्छा हनी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये रियर नहीं होती, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में सूट नहीं करती, है ना। ऐसा कैसा फ्लोरिया के साथ है कि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है, तो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो सबसे ज्यादा सूटेबल, जिससे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, अपने को हनी भी तो अपने को चाहिए तो हनी शहद चाहिए, एपिस इंडिका का यूज किया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में है ये, है ना। हाँ, रियर का नाम आसान होता है। 103 फिशरी इंडस्ट्री नॉट इंक्लूड्स द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ। क्या दे रखा है? फिशरी इंडस्ट्री नॉट इंक्लूड, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, नॉट इंक्लूड द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ। किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे? मोलस्क का किया जाता है, फिशेस को किया जा रहा है, इसमें प्रॉन झींगा किए जाते हैं, जेलीफिश जो है उसको इसके लिए जो है वो कल्चर या इसकी कैचिंग प्रोसेसिंग जो है वो नहीं की जाती। तो सर फिशरी जो मेन है वो डिपेंड किस लिए? मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो सर तो मीट प्रोडक्शन को या जो फूड रिसोर्सेज है उनको इंक्रीज करने के लिए जेलीफिशेस इसके लिए कोई ज्यादा मैं आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूं इसमें जो सबको रिलेट कर देगा। देखिए, इनका जो रियर कराने का जो पर्पस होता है वो होता है मेनली एडिबल, खाने के लिए होता है ना। तो फिशेस कौन सी वाली? जिनको खाया जा सकता है उनको रियर कराया जाता है। मोलस्क जिनको खाया जाता है उनको रियर कराया जाता है। प्रॉन्स को जिनको खाया जाता है उनको रियर खाया है। जेली फिशेज आर नॉट एडेबल, जेली फिशेज को अपन खा नहीं सकते क्योंकि तो टॉक्सिक होती हैं, वीनम होता है इनके अंदर, इसलिए ये खाने में काम नहीं आती। और दूसरा बात ये मैरीन होती है, ये फ्रेश वाटर में होती ही नहीं, और ये सारे काम किसमें होता है सर, फ्रेश वाटर में होता है। ये मैरीन एनवायरमेंट में रहती है, ना इनको खाया जा सकता, किसी काम की नहीं होती, बल्कि टॉक्सिक होती है, हार्मफुल होती है, इसलिए बड़ा आसान है इसको सेलेक्ट करना। देखते हो क्रेब वगैरह होते हैं, ये भी एडिबल में काम में ले जा सकते हैं, लेकिन जेलीफिश जो है वो इसमें नहीं है। क्लियर? कंसीडर अबाउट फॉलोइंग फिशेस, निम्न मछलियों के संबंध में विचार कीजिए। हिल्सा, सार्डिन्स, कटला, रोहू, एक्सोसीटस एंड पॉम्फ्रेट्स। हाउ मेनी ऑफ दीज आर मैरीन फिशेस? तो मैरीन आपको ये इसमें देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। मैं एक तो क्वेश्चन जैसा हमने आपको दिखाया वो आ सकता है, दूसरा आपको इसी में डिजाइन करके बता सकता है कि मैरीन एडिबल कौन सी, सारी मैरीन एडिबल नहीं होती। अगर इस क्वेश्चन को आप डिजाइन करना चाहो तो इसको दूसरी तरह से डिजाइन भी किया जाता है, मैरीन एडिबल। अब जैसे एक्सोसीटस है, इसको खाया नहीं जाता लेकिन ये मैरीन फिश है ना। पॉम्फ्रेट को खाया जाता है, ये मैरीन फिश है, ये भी मैरीन फिश है, ये फ्रेश वाटर है, ये तो लर्न करना पड़ेगा आपको। इसमें सार्डिन मैरीन होती है ना, ये हिल्सा ये मैरीन होती है। तो 1 2 3 4 कटला और रोहू ये फ्रेश वाटर फिशेस है, और 4 हो गए इसमें। ये थोड़ा सा आप एक ध्यान और रखें कि जैसे टैक्सोनॉमी के अंदर भी आपके ये इस टाइप से अलग-अलग दे रखी हैं कि मैरीन फिशेस कौन सी हैं और फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी होती हैं। क्लियर? तो ये सारी जो है वो इसमें इसके अकॉर्डिंग मैरीन फिशेस में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 4 जो है वो इसकी मैरीन फिशेस है। Cross breeding can be performed between the members of. Cross breeding तीन members के बीच की जा सकती है। तो ये अभी आपको बताया था, cross breeding is a type of outbreeding. Outbreeding का टाइप है जिसमें दो different breeds के individuals जो होते हैं उनके बीच मैटिंग होती है। क्लियर? तो cross breeding में जो different breeds के individual उनके बीच मैटिंग हो रही है, तो बहिसंकरण किन सदस्यों के बीच संपन्न करवाया जा सकता है? Same breed but having no common ancestry. ये तो क्या आएगा? Having no common ancestry वाली कौन सी हो गई है? ये outcrossing हो गई। Different breeds के बीच करवाई जा रहा है, तो ये different breeds के बीच करवाया जा रहा है, इसका मतलब ये cross breeding है। Clear? उसके बाद different species, ये interspecies hybridization है, ये भी नहीं हो रहा। ये outcrossing के लिए, ये किसके लिए हो रही है? डिफरेंट स्पीशीज का करवाया जा रहा है, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री विदिन 4 टू 6 जनरेशन, ये किसको बता रहा है? आउटक्रॉसिंग। ये हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री, ये इनब्रीडिंग को बता रहा है। तो ये इनके अंदर आप देख सकते हैं, इनमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, तो डिफरेंट ब्रीड्स के मेंबर के बीच करवाई जा रही है। Sardine is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri ewes and merino rams, which was the process for this breeding program. तो ये तो सीधा-सीधा है, ये तो क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। क्रॉस ब्रीडिंग करा दी तो डिफरेंट ब्रीड्स है ना, एक तो है ये बीकानेरी यूज, एक ब्रीड तो ये हो गई, और एक ये हो गई मेरिनो रैम। अलग-अलग ब्रीड्स को क्रॉस कराया, ये ब्रीड है, दोनों के बीच क्रॉस करवा के जो है एक न्यू ब्रीड तैयार कर ली। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बेटा ये कहलाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। बाकी तो सारे गलत ही हैं। हां, तो ये करेक्ट आंसर आ गया इसका 1। Which of the primary product of Apis indica? Apis indica इसका प्राइमरी प्रोडक्ट हनी, वैक्स, नेक्टर, रेजिन। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो इसका कौन सा होता है? वैक्स इसका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, और हनी जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इसका मेन जो है वो एपिस इंडिका है, या और दूसरी इनमें जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो वैक्स ही होता है। क्लियर? हनी जो है वो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, वो इससे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। एनिमल हस्बेंड्री इज अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज मच साइंस एज इट इज आर्ट। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। ठीक बात है, ये तो सब ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सारे, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया एंड चाइना टू द वर्ल्ड इज ओनली 50%। 50 से भी कम है तो 25%। अपन क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ये पकड़ में आ गया आपको, इनकरेक्ट बात हो गई। 50% ना होके 25% प्रोडक्शन दे पा रहा है पूरे ऑल वर्ल्ड का। देयर इज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट वेरी लो, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो है वो प्रोडक्टिविटी कम है, इसीलिए आप देख रहे हो कि दोनों इंडिया और चाइना में जो है वो टोटल लाइव स्टॉक वर्ल्ड का जो 70% है। उसके बाद भी प्रोडक्शन कितना दे पा रहा है, प्रोडक्शन तो 25% ही दे रहा है। इसका मतलब जो पर यूनिट है वो उसकी प्रोडक्टिविटी रेट कम है। इसलिए क्या होना चाहिए, अपने को गलत पूछा। हाँ। तो गलत हो गए, अगर यहाँ पे 25 लिखा होता तो सही था, सही था। उसमें अब क्या है, इसके लिए नई टेक्निक्स जो है उसकी जरूरत है, जिससे वो क्या प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। क्लियर। Next question: in which one of the following is related to blue revolution? Blue revolution से related इनमें से कौन सा है? First आप देखें increased production of honey bee। honey bee से blue revolution का कोई लेना नहीं है। blue का मतलब है पानी। हाँ। blue का मतलब है यहाँ पे water। तो aquatic organism का वो है culture है basically जो blue revolution में include किया जाता है। अब पानी से related तो मछलियाँ हैं यहाँ पे, है ना। दूध का कोई कांसेप्ट ही नहीं है, अंडों का कोई कांसेप्ट ही नहीं। तो ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए ये इनके अंदर आपको ध्यान है। व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है इसके लिए, वर्गीज क्यूरियन को इसको कहते हैं ना फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीज क्यूरियन। तो वो किसके लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए। और ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो मेनली किसके लिए होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो है वो इसका ब्लू रिवॉल्यूशन है। क्लियर। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एट, डिक्रीज प्रोडक्शन अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो वहाँ रिवॉल्यूशन कह ही नहीं सकते। तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का इफेक्ट कौन सा नहीं है। देखिए अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था सर इस पॉइंट को कि होमोजाइगोस से ये बढ़ाता है। अब अपन पूछ रहे नहीं है, है ना, नॉट द इफेक्ट पूछ रहे, नेगेटिव है तो ये तो है। एलिमिनेट हार्मफुल रिसेसिव जीन, बात हो जाती है, वो भी कर देता है, ये बात भी सही है। थर्ड है मे कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन इफ कंटिन्यूअस फॉर सेवरल जनरेशन, ये बात भी ठीक है। कंटिन्यूअसली अपन ब्रीड कराते रहेंगे तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, दैट विल कॉज यू नो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिकली इट मे हार्म द फार्मर्स। फोर्थ इज डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करता है एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, ये इसका काम नहीं है, नहीं है। डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाता है ना, लेकिन आगे क्या दे रखा है एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, तो सुपीरियर जीन के एक्यूमुलेशन को नहीं कर रहा है, तो ये चीज इसमें गलत आ गई। तो इसमें नॉट द इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग ये हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें व्हिच ग्रुप ऑफ बर्ड्स टिपिकली इंक्लूड इन पोल्ट्री फार्म टू प्रोड्यूस एग एंड मीट। एग और मीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पोल्ट्री में कौन से बर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। फाउल, पिजन एंड पैरेट। पैरेट का कोई रोल नहीं। हाँ, इसमें फाउल होता है केवल, और ये पिजन पैरेट नहीं होते। सेकेंड है फाउल, टर्की एंड गीज, ये एडिबल है, इनको मीट वगैरह के प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए, एग के लिए इनको पाला जाता है। क्लियर। तो ये फाउल, टर्की एंड गीज, पैरट और क्रो को नहीं कराएंगे, पिजन को नहीं कराएंगे, पिजन को नहीं करवाते, इनमें ये दोनों ही करवाते। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। इकोनॉमिक यूज के लिए जिन बर्ड्स को रियर कराया जाता है पोल्ट्री बर्ड्स कहलाती हैं। इनका यूज दो पर्पस के लिए होता है, नंबर 1 एग्स, नंबर 2 मीट। उसके अकॉर्डिंग दोनों पर्पस से जो है वो इनमें कौन सी इंक्लूड की जा रही है, पाउडर की एंड गीज को। क्लियर। गीज भी एक तरह की बतख है। हाँ। डक्स होती हैं एक तरह की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज रियर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इन इंडिया इज एपिस फ्लोरिया। फ्लोरिया नहीं, अभी अभी डिस्कस किया था सर, एपिस इंडिका होती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एपिस इंडिका आना चाहिए था इसके लिए, एपिस इंडिका आता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। थर्ड सेकंड है इन एक्वाकल्चर एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन क्रैब्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स आर कल्चर्ड। एक्वाकल्चर के अंदर ये सारे काम होते हैं है ना। एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक बर्ड्स, एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स को कल्चर दोनों को एक साथ कल्चर करवाया जा रहा है तो वहां क्या होता है एक्वाकल्चर होता है। ठीक है ये स्टेटमेंट सही है। सार्डिन्स क्लैरियस एंड बीट आर मैरीन कार्प्स। ये गलत है, ये गलत है। क्लैरियस नहीं होती इसके अंदर, इसमें सार्डिन होती है केवल। बीटा है ये भी आपको जाना है, एक्वेरियम फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस। तो बी कीपिंग कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन वंस कोर्टयार्ड एंड वरांडा। तो घर में किया जा सकता है ना। तो ये कह रहा है कैन नॉट बी प्रैक्टिस, ये तो घर में किया जा सकता है। अगर आपके पास एक बड़ा वरामदा हो, बड़ा कोर्टयार्ड हो पीछे मकान में, ये काम किया जाता है। ये इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड जो है वो इसमें करेक्ट हो गया। एक्वाकल्चर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन क्रैब एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर कल्चर। क्लियर। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें एक होती है फिशरीज, एक होता है इनमें एक्वाकल्चर और एक पीसी कल्चर होता है। क्यों सर? अब ये तीनों टर्म आप इसको ध्यान रख लें थोड़ा सा। एक्वाकल्चर में प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों को एक साथ कल्चर करवाया जा रहा है, बड़ी वो एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर सबको एक साथ करा रहे हैं, एक साथ अगर करवा रहे हैं प्लांट साथ साथ में एनिमल्स, एक साथ अगर कल्चर करवाने हैं वो एक्वाकल्चर है। फिशरी जो है वो किसके लिए? फिशेस को, क्रैब को, प्रून को, इनको सेलिंग करना, पकड़ना, कैचिंग करना, ये फिशरी है। एक पीसी कल्चर टर्म होता है। पीसी कल्चर सिर्फ पर्टिकुलर फिश के लिए होता है, जहाँ फिश को पोंड बना बना के जो है वो एक तरीके से कॉमर्शियल वे में जो है वो उनको पाला जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वो फिशेस के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर फिशेस, वो पीसी कल्चर है। तो इन टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें, तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग जगह यूज हो रही है। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वायरस क्रिएटेड ए स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन। किस वायरस के कारण देश में अंडों और चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा और देश में सनसनी और डर का वातावरण फैल गया था। इसमें वेरियोला वायरस, H5N1 वायरस, फाउल पॉक्स वायरस, मीजल्स वायरस, कौन सा ऐसा वायरस था जिसके कारण अंडों के और इसके चिकन के कंजप्शन, इसके खपत पर जो है वो बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण ये एक जो इंडस्ट्री है, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, वो एक बार के लिए फ्लॉप सी हो गई थी और पूरे लोगों में जो है वो एक डर सा फैल गया था कि आगे पता नहीं अपना ये बिजनेस चलेगा, धंधा चलेगा नहीं चलेगा, लोग रोड पे आ गए थे कई। तो ऐसा किस वायरस के कारण से ऐसा हुआ था? तो ये था H5N1 वायरस। ये एक चीज़ आप ध्यान रखें, आपके NCERT में इस वायरस का नाम डायरेक्ट ऐसे नहीं दे रखा है, उसमें दे रखा बर्ड फ्लू वायरस। तो ये एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखने की है। इसमें यहाँ बर्ड फ्लू वायरस का डायरेक्ट हमने वो बर्ड फ्लू वायरस नहीं देखे, पर्टिकुलर एक नाम इसमें दिया है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा होता है वो H5N1 वायरस है। जो कौन सा वायरस कहेंगे इसको? बर्ड फ्लू वायरस। NCERT में इसका नाम दे रखा है बर्ड फ्लू वायरस। तो ये बर्ड फ्लू वायरस था जिसके कारण से एक बड़े स्तर पर जो है वो ये फाउल वगैरह जो पोल्ट्री में बर्ड्स पाले जा रहे थे वो खत्म हो गए थे। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट आंसर इसमें सेकेंड हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। सुपर ओव्यूलेशन इज रिलेटेड विद, सुपर ओव्यूलेशन किसके साथ रिलेटेड? डेवलपमेंट ऑफ टू मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो ये चीज ठीक बैठती है इसमें। अभी अपन ने डिस्कस की काफी डिटेल में। प्रोडक्शन ऑफ 6 टू 8 ओवा फ्रॉम फीमेल कैटल बाय गिविंग एफएसएच आर्टिफिशियली, ये बात भी ठीक बैठती है, ये एमओईटी से रिलेटेड ही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा पहले ही आपको सर ने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आप बाहर से अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एफएसएच या उसके डेरिवेटिव्स को तो क्या करेगा वो 1:70 में ही जो है वो मोर देन 1 ओवर मैच्योर करेगा। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ठीक है, सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ में दोनों बातें ठीक है सुपर ओवोल्यूशन से। क्लियर? बी स्टिंग इन सम पर्सन में कोज, कुछ लोगों में मधुमक्खी का डंक कर सकता है, माइल्ड फीवर ओनली। मक्खी काटने से क्या हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। फेलोर ऑफ मेजर ऑर्गन्स लाइक लीवर, एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाइपोएक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। हाइपोएक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती, एक बात ध्यान रखना, हाइपर होती है, ये एक एलर्जिक कंडीशन हो गई। क्यों सर? तो ये एक एलर्जिक कंडीशन है, तो इस एलर्जिक कंडीशन में क्या होता है, एक एलर्जी का क्रिटिकल सिम्पटम अगर हम देखें तो एक एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक तो है ना सर, मैं बताऊं आपको, किसी भी ड्रग के रिएक्शन से हो सकता है, सांप काटने से हो सकता है ना, एक आदमी एक्सीडेंट में चला गया है ना। नॉर्मली ये शॉक है, बेसिकली शॉक है। शॉक का मतलब ये है कि एक बड़ा झटका सा लगता है। तो एनाफाइलेक्टिक का मतलब है कि किसी ड्रग को दिया या किसी ऐसे केमिकल को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर केमिकल है, ये क्या है, एक केमिकल है जो कि हनी बी ने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने बॉडी में। वो केमिकल ने जब गया बॉडी में तो उसने हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन को, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया उसने। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जगह लाल हो गई, सूजन आ गई, वहां पे बहुत तेज जलन होगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा वहां पे, जो एलर्जी और बेहोश हो सकता है, ज्यादा मक्खियां काट गई। ये कहलाता है एनाफाइलेक्टिक। कई बार अपने सुनते भी हैं कि अचानक से मधुमक्खियां के छत्ते छिड़ गए, लोग उसको काट लिए, मधुमक्खियां रात में मर गया, तो वो डायरेक्ट डेथ हो जाती है, एनाफाइलेक्टिक हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो ये इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका थर्ड हो जाएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक। Next question. A mule is formed by, mule कहते हैं खच्चर को, जो कि पहाड़ी जगह पे वजन ढोने के काम में आता है। तो ये देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये डेवलप होता है स्टेलियन, जो हॉर्स एंड फीमेल डंकी, दूसरा क्रॉस बिटवीन मेयर फीमेल हॉर्स एंड जैक मेल डंकी, ये ठीक लगता है। क्रॉस बिटवीन मेल डंकी एंड हिन्नी, ये भी गलत है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आता है आप कर देंगे इसमें, है ना, ये सीधा एनसीईआरटी से लिए हुए सवाल है। क्रॉस बिटवीन स्टेलियन मेल हॉर्स एंड हिन्नी, ये सारे गलत है। इसमें सीधा आंसर है कि फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी के बीच में क्रॉस कराने से अपने को म्यूल मिल जाता है, जो कि स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है सर। तो ये किसका एग्जांपल है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। आउटब्रीडिंग के जो तीन पार्ट बताए, इंसान ने अपने फायदे के लिए ये काम किया है। तो उस हिसाब से इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर जो है वो एक नई तरह की जो स्पीशीज आ रही है उसमें दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, क्लियर। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हनी बीज आर पोलिनेटर ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीशीज सच एज। हनी बी हमारी कुछ जो है वो क्रॉप स्पीशीज के लिए, फसली पौधों के लिए जो है वो पोलिनेटर परागकारी होती है। सनफ्लावर, ब्रेसिका और फर्स्ट एंड सेकंड वीट। तो सनफ्लावर और ब्रेसिका दोनों के लिए करवाई जा रही है। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जाने ना इसमें आपने बी कीपिंग वाले, बी कीपिंग में आप बेसिकली ध्यान रखिए, जहां पे फ्लावरिंग है ना वहीं रखें। तो गेहूं में तो फ्लावरिंग होती नहीं है ना इस तरह से कि हनी बी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है सूरजमुखी में, सूर्यमुखी में, है ना, ब्रेसिका। तो इनके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है, येलो कलर की, तो हनी बीज होती हैं वो इनके अट्रैक्ट होती हैं, ऊपर आके बैठती है और अट्रैक्ट हो जाएगी, तो ऐसे वो पॉलिनेशन भी हो जाएगा और वो खुद को इसके लिए फीडिंग भी मिल जाएगी उसको। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। इसको फ्लावर्स के लिए क्या हो गई, पॉलिनेटर हो गई, और फ्लावर से इसको खुद को क्या मिल रहा है, फीड मिल रहा है। तो ये इसमें हनी बी से रिलेटेड एक पॉइंट और याद आया, मैं बता देता हूँ आपको। हनी बी जो होती है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर। हनी बी वही रहेगी जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा या कम होगा। आपने देखा होगा शहरों में भी अगर हनी बी छत्ता बनाती है तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाके बनाती है ना, या फिर डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर, या ऐसी जगह पे जहाँ पे पॉल्यूशन ना के बराबर है। अगर वर्ल्ड के अंदर आज साइंटिस्ट रिसर्च करके बता रहे हैं कि नंबर ऑफ हनी बीज, नंबर ऑफ हनी बी स्पीशीज वो डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये एनवायरमेंटल साइंस के साथ रिलेशनशिप है हनी बीज का, ठीक है। ये एक इकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट है जो मुझे याद आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कॉड लिवर ऑयल, ये कॉड एक फिश है, मैरीन फिश होती है। इसके लिवर, इसके अंदर रिच जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, खासतौर से विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है इसके अंदर। तो ये दोनों तो इसके अंदर होते हैं। तो जिन लोगों में इसकी कमी होती है तो डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कॉड लिवर ऑयल को कंज्यूम करना। ये मार्केट में मिलता है, मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है कॉड लिवर ऑयल, कॉस्टली आता है काफी। ये वैसे आप सोचेंगे कि इसमें ये कहीं है नहीं, इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, पर एक चीज आप ध्यान रखें कि जैसे फिशरीज तो आप पढ़ रहे हैं से रिलेटेड है और आपके न्यूट्रिशन से उसमें जो है वो यूजफुल है, उसके हिसाब से करेक्ट आंसर आ जाए। पॉइंट्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, एक सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपके ये सारे पॉइंट्स दे भी रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ हैबिट ऑफ बी, पता होनी चाहिए, बिना पता होते आप कैसे रियर कराओगे अगर पता ही नहीं होगा तो अचानक आपका वन मस्ट नो द हैबिट ऑफ द एनिमल व्हिच इज बीन रियर्ड। चाहे गाय पाल रहे हैं तो गाय की हैबिट पता होनी चाहिए, भैंस पाल रहे हैं तो भैंस की हैबिट पता होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव इन डिफरेंट सीजन, अलग-अलग सीजन में उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बारिश के दिनों में उसको कैसे मैनेज करें, सर्दियों में उसको कैसे मैनेज करें, गर्मियों में कैसे मैनेज करें, ये सारा नॉलेज जो है वो जो भी इसको बी कीपिंग बी आई कर रहा है, इंफॉर्मेशन जितनी होगी ना वो फायदे की होगी, समझ गए। इससे ये अपने ऊपर भी लागू होती है बात कि इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी फायदे की होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आदमी गलतियां करता है, हर फील्ड में लागू होती है बात। अगर आप कॉमर्शियल वे में अगर उसको कर रहे हो, बी कीपिंग आप कॉमर्शियल वे में कर रहे हो कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए और आप उसको एक इंडस्ट्री लेवल पे करना चाहे तो आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ हनी बी एंड बी वैक्स, उससे हनी का जो है वो हनी और बी वैक्स जो है उसका कलेक्शन कब किया जाए होता है पर्टिकुलर जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम आप छत्ते में से शहद को निकाल सकते हैं। मक्खियों को जो है वो मक्खियाँ बाहर हो उस टाइम आप छत्ते से इनको निकाल सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम या कौन सा सीजन इसके लिए एक प्रॉपर टाइम है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्पॉम, मधुमक्खी के समूह को पकड़ना और छत्ते में रखना, ये पता होना चाहिए। अगर सारा नॉलेज अगर होगा तो ही एक प्रॉपर कॉमर्शियल वे में जो है वो आप बी कीपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन है ना, ये एक तरह की समरी है। हाँ, तो ये आप सारी बातें ठीक है, सारी सही है इसमें। तो ये चारों चीजें जो है वो आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं, आप इनको ढंग से पढ़ें। तो ये चारों ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए जरूरी चीज है। Clear? Next. Which of the following is best definition of breed? Breed की सही परिभाषा क्या है? Mating animals of same size, size का तो ऐसा कुछ है नहीं। Second है group of animals similar in general appearance, features, size, configuration, ये बात थोड़ी सी ठीक लग रही है। Animals with nearly equal size and same color, तो size और color का तो यहाँ पे concept नहीं है। Geographically isolated animals, भौगोलिक रूप से पृथक जंतु जिनके पूर्वज समान थे। तो ऐसा ब्रीड्स के लिए अगर हम देखें तो ब्रीड्स के लिए करेक्ट क्या होना चाहिए जो है, एक से अपीयरेंस है, फीचर्स है, साइज है, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब एक कंप्यूटर नहीं है जैसे कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब है उसका जेनेटिक मेकअप, सही है। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है यहां पे उसका जेनेटिक मेकअप, हां तो वो इनका सेम हो तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, उसको एक सेम ब्रीड मान सकते हैं। आंसर इज 2। आंसर सेकंड हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द आउटक्रॉसिंग, कौन सा आउटक्रॉसिंग को सबसे बेहतरीन परिभाषित कर सकता है। आउटक्रॉसिंग देखिए अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि आउटक्रॉसिंग किसका टाइप है, आउट ब्रीडिंग का टाइप है, जिसमें ब्रीड सेम हो लेकिन उसके जो इंडिविजुअल्स जिनके बीच क्रॉसिंग करवाई जा रही है वो कैसे होने चाहिए, वो 4 to 6 जनरेशन के फार रिलेटिव होने चाहिए कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं हो। क्लियर? तो इसमें क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल के बीच करवा रहे हैं तो कौन सी होगी, ये तो क्रॉस ब्रीडिंग होगी, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड पे रखा क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, तो कॉमन एंसेस्टर्स हो। क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, आगे भी बात सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स होने चाहिए फॉर 4 to 6 जनरेशन हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, इनके कॉमन एंसेस्टर्स हो, तो ये इसमें क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स। आउट क्रॉसिंग पूछा ना, हाँ ये ये आउटक्रोसिंग, ये इनब्रीडिंग आ गई। यहाँ कॉमन एंसेस्टर हो तो इनब्रीडिंग है, ये इनब्रीडिंग है। पूछा क्या आउटक्रोसिंग, आउटक्रोसिंग का मतलब वो उससे फार रिलेटिव होने चाहिए। तो क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड व्हिच हैव नो कॉमन एंसेस्टर बिफोर 4 to 6 जनरेशन ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री, ये करेक्ट है इसका। तो ये क्या होना चाहिए, सेम ब्रीड के हो लेकिन 4 to 6 जनरेशन तक उनकी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं हो। इस तरह के इंडिविजुअल्स के बीच क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या आउटक्रॉसिंग है। क्रॉस बिटवीन एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जो भी न्यूल वाला एग्जांपल आपने देखा था हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैरीन एडिबल कार्प। देखिए इसमें ये क्लेरियस है ना पहला वाला, ये फ्रेश वाटर, अपन पूछ रहे हैं मैरीन, नॉट ए मैरीन, ये मैरीन हो गया। हिल्सा भी मैरीन है, मैकेरल इज आर मैरीन। यहाँ पर तो आपको थ्योरी आनी चाहिए, हाँ। तो कौन सी फिश मैरीन है, कौन सी फ्रेश वाटर है, सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन ए फ्रेश वाटर एंड ए मैरीन फिश। यू हैव टू लर्न दिस, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। देखा चैप्टर में आपके दे रखी है ये कौन सी फ्रेश वाटर एग्जांपल्स आपको लर्न करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको इसकी बार-बार रिवीजन प्रैक्टिस मांगता है। फर्स्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए करेक्ट कौन सा होगा। इट हेल्प्स अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मैटिंग। जहाँ नॉर्मल मैटिंग के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको दूर करने के लिए या उन समस्याओं के समाधान में जो है वो ये सहायक होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है वो सुपीरियर कैरेक्टर वाले मेल फीमेल के बीच क्रॉसिंग हम नहीं करवा सकते, दोनों मेल फीमेल को एक जगह कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो सर नेचुरली अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो है वो उस मेल के या बुल के सीमन को कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, और वहां से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके वहां पे भी यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं और वहां ले जाके हम फीमेल को जो है उससे फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इसके लिए करेक्ट है। सेकंड, सीमन इज आर्टिफिशियली कलेक्टेड फ्रॉम, आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाता है एक्सोटिक ब्रीड। भाई कहीं कोई मान लो पंजाब में है, कोई पंजाब में बढ़िया नस्ल के कोई बेल है, हम चाहेंगे वो कैरेक्टर अपने राजस्थान में आने चाहिए, क्या करोगे इसके लिए। अब वहां से वो पंजाब वाले को या तो ट्रांसपोर्ट करके लेके आओ बुल को, या फिर सीमन ट्रांसपोर्ट कर लो, सीमन ट्रांसपोर्ट कर लो, वहीं से जो है उसको कलेक्ट कर लो, आर्टिफिशियली कलेक्ट करके सीमन को ले आओ। कोई ज़्यादा इसमें बड़ी समस्या नहीं रहती। तो ये भी इसके लिए करेक्ट हो सकता है। सीमन कलेक्टेड में भी इमीडिएटली यूज्ड, उसी टाइम उसको यूज कर सकते हैं या बाद में यूज कर फ्रोजन एंड यूज्ड। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में लो टेंपरेचर पे उसको फ्रीज में ना -196 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर उसको आगे भी यूज कर सकते हैं अपन, है ना। ये भी बात ठीक है, उसको हम कभी भी यूज किया कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव बात आ गई, देखो फ्रोजन सीमन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। ठंडे तापमान पर संचित वीर्य को किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया, ये गलत हो गया। ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। ये मेन इसका सबसे बड़ा जो प्रॉफिट ही है, बेनिफिट ही है कि इसको आप क्रायो प्रिजर्व करके कहीं भी ले जाके और उसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो अब इसमें सेलेक्ट करना है, वन स्टेटमेंट इज करेक्ट नहीं, वन तो नहीं, तीन सही है, एक गलत है। थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाँ, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। Which of the following is not true for multiple ovulation and embryo transfer? निम्न में से कौन सा MOET के लिए सत्य नहीं है। सुपर ओवुलेशन पहला ऑप्शन है, is due to administration of estradiol and aspirin। ये तो पहले ही मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने तीन बार डिस्कस कर लिया। अभी डिस्कस किया कि FSH या उसके डेरिवेटिव्स का यूज होता है तो ओवुलेशन के लिए, ताकि एक से ज्यादा एग एक बार में ओवरी से रिलीज हो जाए और उनको अपन कलेक्ट कर सके फ्यूचर यूज के लिए। तो ये बात सही नहीं है। दूसरा है, पढ़ लेता हूं मैं आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आंसर तो अपने को यही मिल गया। इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ 6 टू 8 एग्स इंस्टेड ऑफ 1 एग, ये बात सही है। सुपर ओवुलेटेड फीमेल इज इंसेमिनेटेड आर्टिफिशियली और मेटेड विद एन एलीट बुल, ये बात भी ठीक है। या तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दो, हाँ। या फिर उसमें डायरेक्ट उनकी नेचुरल मेटिंग करवा दो। फिर बात आती है फर्टिलाइज्ड 8 टू 32 सेल स्टेज और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेड इन सरोगेट मदर। तो नेचुरल है, उसको किसी दूसरी जो है काऊ या बफेलो या हॉर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको वापस से फ्री कर लेते हैं अपन, उसको वापस से अपन एफएसएस का डेरिवेटिव देते हैं और उससे फिर से ओवुलेट करवा लेते हैं। तो उसका काम ही ओवुलेशन करवाते रहते हैं उससे। अगर वो ओवुलेट हो गई, पहली बार ओवुलेट हो गई और उसको मैटिंग होने के बाद उसमें उसी के अंदर वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तब तक आगे वो नया वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या करते हैं सरोगेट मेथड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी इसके लिए करेक्ट है। क्या पूछा इसमें? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन अपने पास क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये इसमें सही आंसर। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें और उसके हिसाब से जो है वो धीरे धीरे डिस्कशन से आप आपस में भी डिस्कस करते हुए जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में फीड रखें ताकि इन चीजों को भूलें नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें होती है उनमें कई बार ये चीजें आपके पास में परमानेंटली अवेलेबल है। YouTube पे एक बार इसको अगर आप प्रेस कर दिया तो ये आप बाद में भी ले सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, कंफ्यूजन हो तो ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सारी बातें। तो इसका आप माइलेज लीजिए, ये हमारी आपसे एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।